हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 7 साइंस, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। आज हम ऑर्गेनिज्म्स के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें कहा गया है कि जो बूजो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेने के लिए स्टेशन पर जाता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है टाउन में आए हुए हैं। सो जब दौड़ते हुए बूजो जो है टाउन के स्टेशन तक पहुंचता है, तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जो सांसें हैं इतनी बड़ी हुई क्यों है। तो बूजो कहता है कि मैं यहाँ दौड़ते हुए पहुंचा हूँ यहाँ स्टेशन तक, तो मेरी सांसें जो है बढ़ गई। लेकिन एक प्रश्न जो बूजो के दिमाग में उठ गया वो ये कि जब मैं दौड़ते हुए यहाँ स्टेशन तक पहुँचा तो मेरी सांसें इतनी बढ़ क्यों गई। इसका उत्तर पाने के लिए हमको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम सांस लेते क्यों हैं, तो इसका उत्तर हम अभी यहाँ इसी चैप्टर में थोड़ी आगे देखेंगे। सो, जो ये दूसरा 10.1 पर अब आ जाइए, यहाँ पर लिखा गया है कि व्हाई डू वी रेस्पायर, मतलब हम जो है रेस्पायर करते क्यों है, इससे पहले कि हम ये जानें कि हम रेस्पायर करते क्यों है, हमको ये जानने की ज़रूरत है कि रेस्पायरेशन होता क्या है। सो, इस पूरे के पूरे जो ये पेज में ये पैराग्राफ्स दिए गए हैं, इनको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो है दूसरे चैप्टर में पढ़ा कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऐसी लिविंग चीज़, हो उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिज्म्स। अब मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है सेल्स के साथ, ठीक है, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग एक एक ईंट के मिलने से बनी होती है, उस प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऐसा जीवित वस्तु हो, वो बनी होगी एक एक सेल्स के साथ, मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल के साथ जो है एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। हालांकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, वो अलग होते हैं। सो, आप इतना याद रख लीजिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो बने होंगे सेल के साथ। मान लीजिए कोई ह्यूमन है, सारे ह्यूमन बने होंगे किसके साथ, सेल्स के साथ, क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब हमको पता लग गया कि हमारे सारे के सारे ऑर्गन बने होंगे सेल के साथ। इस प्रकार से एक एक सेल मिलके जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। अब जो है आपने ये ज़रूर सुना होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए, मतलब कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है एनर्जी की, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी हमको कैसे मिलती है, ये जो रेस्पिरेशन है ये भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। सो, ये तो हमको पता लग गया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मिलके बने होते हैं सेल्स के साथ। अब हमारे शरीर को काम करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। अब हमारे शरीर के कौन से भाग को, क्या किसी एक पर्टिकुलर भाग को कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है? जी नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उन सभी, मतलब प्रत्येक सेल को जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसी एनर्जी की आपूर्ति को पूरी करने के लिए अब एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ये रेस्पिरेशन किस तरह से होता है अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। सो, अब प्रत्येक सेल को ज़रूरत होगी किसकी, एनर्जी की। अब ये एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, अब आप इस तरह से समझिए, आपको पता है कि ये हमारा हार्ट है, मान लीजिए ये आप कोई भी अंग मान लीजिए, ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये हमारे लेग्स है। अब आपको पता है कि हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई करता है वेरियस ऑर्गन्स को, ठीक है, अब जो है आपको पता है कि जो ये ब्लड होता है
ये सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल्स हो, सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, ब्लड का, ठीक है। अब जो है ये हार्ट जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये ब्लड के थ्रू जो है फूड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, शरीर के किस भाग तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, शरीर के प्रत्येक सेल तक ये जो है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, शरीर के प्रत्येक सेल तक जो है ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देखिए ये पाइप आपको दिख रही है पैर को जाते हुए, लेकिन पैर भी किससे मिलकर बना होगा, था मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने के कारण। अब इस सेल, इस पैर के जितने भी सेल्स होंगे वहाँ तक जो है ब्लड की सप्लाई होगी, और ये ब्लड जो है वहाँ पर सेल्स के अंदर क्या देगा, उसको सेल को क्या देगा, सेल को देगा ये फूड। अब क्या होगा, अब इस डायग्राम को आप भूल जाइए, अब आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो वो सेल था, ठीक है, अब जो वो सेल था इस तरह से मान लीजिए ये उस लेग का सेल है, ये वो सेल था, अब उसके अंदर आ गया फूड, ठीक है, ये मान लीजिए ये फूड आ गया, ये फूड इसके अंदर घुस गया, ब्लड ने इस तक पहुंचाया। अब जो ये फूड है, ठीक है, अब जो ये फूड है, ये फूड यहाँ पर जो पहुँचा, जो ये फूड है इसके अंदर होगी एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर है एनर्जी, क्योंकि हमको पता है कि फूड के साथ ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी। तो जो ये फूड है ये तब तक अपनी एनर्जी इस सेल को नहीं देगा जब तक कि ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये तब तक अपनी एनर्जी इसको नहीं देगा जब तक ये क्या नहीं होगा, जब तक ये टूटेगा नहीं। और ये टूटेगा कब, ये टूटेगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, ये तब टूटेगा जब इसको जो है ऑक्सीजन मिलेगी। हालांकि ये अलग तरीके से भी टूटेगा, वो जो है अलग टाइप है, उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी हम एक तरफ की रेस्पिरेशन देख लेते हैं, एरोबिक वाली। सो ये हमको पता लग गया कि यहाँ पर एक फूड जो है पहुँच गया। अब ये फूड कब तक नहीं टूटेगा, अब जो ये फूड है ये कब तक एनर्जी नहीं देगा हमको, ये तब तक एनर्जी नहीं देगा हमको जब तक ये टूटेगा नहीं। अब इस एनर्जी तो को तोड़ने के लिए यहाँ पर ज़रूरत होगी हमको ऑक्सीजन की, ठीक है, अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की। इसीलिए क्या होगा, जिस प्रकार से उस ब्लड ने जो है यहाँ पर हमने देखा था, जिस प्रकार से वो हार्ट था, ठीक है, वहाँ से ब्लड सप्लाई हुआ था ऑर्गन के प्रत्येक अंग तक। अब ऑर्गन के प्रत्येक अंग तक जिस तरह से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसी तरह से बिल्कुल ऑक्सीजन का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो सभी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसीलिए यहाँ से ऑक्सीजन भी आएगी। और जब ऑक्सीजन इसके अंदर पहुँच गई, अब क्या हो गया, अब यहाँ पर फूड भी है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये ग्लूकोज है तो क्या होगा, ये फूड जो है, फूड प्लस मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और बनाएगा क्या, H2O मतलब वाटर, H2O प्लस एनर्जी प्लस CO2, ये CO2 को बाद में हम एक्सपेल कर देंगे, मतलब एक्सहेल कर देंगे उसको। सो अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया, एनर्जी। इसी एनर्जी के लिए हम क्या थे, प्रयासरत थे, तो इस प्रकार से क्या होगी, एनर्जी हमको मिल जाएगी, मतलब जितने भी सेल होंगे बॉडी के अंदर उसमें जो है ये प्रोसेस होगी, एनर्जी के बनने की प्रोसेस होगी। अब एक बात और कि एनर्जी हमारे सारे के सारे शरीर को जाइए, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि जो बूझो था, ठीक है, जो बूझो था उसका रेस्पिरेशन बढ़ गया, इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं अब कि उसका रेस्पिरेशन क्यों बढ़ गया था। अब हमको पता लग गया कि जितना अधिक कार्य होगा उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी किसकी, एनर्जी की, ठीक है, और एनर्जी हमको कब मिलेगी, जब फूड टूटेगा। और फूड कब टूटेगा, मतलब फूड का ब्रेकडाउन कब होगा, फूड का ब्रेकडाउन तब होगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसीलिए उस ऑक्सीजन को जल्दी तोड़ने के लिए, मतलब उस ऑक्सीजन नहीं, उस फूड को जल्दी तोड़ने के लिए जो है
अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अधिक ऑक्सीजन हमको कब मिलेगी? अधिक ऑक्सीजन हमको तब मिलेगी जब हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर को कब होगी? जब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हमको मिल गया कि उसकी सांस जो है जल्दी क्यों बढ़ गई। ये तो मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अब हम बुक के हिसाब से चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर ये डार्क कलर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि सेलुलर रेस्पायरेशन, जो डार्क ब्लैक में दिया गया है, तो इससे ऊपर वाली लाइन पर आ जाइए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये देखिए वही दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। ठीक है, यहाँ पर एक बार दोबारा आप देख लीजिए, द प्रोसेस, ये था से, ये मान लीजिए सेल है। ठीक है, ये सेल है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि फूड को जो है, फूड जो है, ब्लड ने यहाँ पर फूड पहुँचाया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब इस फूड का ब्रेक डाउन होना, टूटना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, मतलब इस सेल के अंदर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब इसके टूटने के बाद क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब इस फूड का सेल के अंदर टूटना और एनर्जी को रिलीज करना, उसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फूड जो है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये फूड ऑक्सीजन की वजह से ही टूटे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग तरीके से टूट सकता है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन का तो हमको पता लग गया कि सेलुलर रेस्पायरेशन किसको कहते हैं। नाउ इसके आगे देख लीजिए, सेलुलर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ और ऑर्गेनिजम्स। अब ये किस प्रकार से टूटेगा, ये फूड किस प्रकार से टूटेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखकर, लेकिन टूटेगा ज़रूर। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, इन द सेल्स, सेल्स के अंदर द फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ये वही कह रहा है, देखिए दोस्तों, जो सेल था उसके अंदर जो फूड था वो टूट जाता था, किसमें बदल जाता था, वो टूटने के बाद वो बदल जाता था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर यूजिंग ऑक्सीजन। मतलब जब उसको ऑक्सीजन मिल गई थी तो वो बदल गया था किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, यूजिंग ऑक्सीजन, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब आप दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जो फूड का ब्रेकडाउन था, ज़रूरी नहीं कि वो ऑक्सीजन की वजह से ही वो फूड टूटेगा, वो अलग अलग तरीक़ों से भी टूट सकता है। तो हम पहले टाइप पर आ गए हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये जो हमने पढ़ा वो हमने एरोबिक रेस्पायरेशन वो पढ़ लिया है। सो आप दोबारा से यहाँ देख लीजिए, व्हेन ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन हो जाता है ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करके, इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर फूड का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की वजह से सेल के अंदर, तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन, नाउ आगे देखिए, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ये भी हम पढ़ चुके थे कि अगर फूड टूटेगा ऑक्सीजन की वजह से सेल्स के अंदर, तब हम कहेंगे कि एरोबिक रेस्पायरेशन हुआ। ठीक है, अगर फूड टूटेगा सेल के अंदर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, मतलब अलग तरीके से टूट गया, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया उसने, लेकिन टूट गया फिर भी वो ऑक्सीजन, किस में टूट गया और रिलीज़ की उसने एनर्जी, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक, ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ये जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन है, इसमें देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लूकोज था, मतलब जो फूड था, उसमें क्या हो गया, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले वाले का है, जो पहले वाला था, पहले वाले में ये वाली इक्वेशन थी, पहले वाले में क्या क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक वाला, जो ये एरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें ये वाला होगा, मतलब ग्लूकोज टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये था एरोबिक वाला।
जो एनारोबिक वाला है इसके भी अलग अलग टाइप आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो जो दिए होंगे वो हम देखेंगे। सो अब एक टर्म यहाँ पर आ रही है दोस्तों, देखिए एरोब्स, ठीक है, एक टर्म हमारे पास आ रही है एन एरोब्स। अभी हमने देखा कि जो जिसमें फूड जो है बिना ऑक्सीजन से टूटेगा सेल्स के अंदर, तो उसको हम कहेंगे एन एरोबिक रेस्पायरेशन। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फूड टूटता है और एनर्जी देता है सेल्स के अंदर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम कह देते हैं दोस्तों एन एरोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम कह देते हैं एन एरोब्स। इससे उल्टा हम देखेंगे कि अगर फूड टूटेगा ऑक्सीजन की वजह से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फूड टूटेगा ऑक्सीजन की वजह से और एनर्जी रिलीज़ करेगा, उसको हम कहेंगे एरोब्स। ऐसे जीवों को हम कहेंगे एरोब्स, मतलब एरोब्स और एन एरोब्स। चार चीज़ें हमको पता लग गई, एरोब्स, एन एरोब्स, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ आगे चलिए, तो आगे क्या कह रहा है, तो एक टॉपिक यहाँ पर फिर से ये बच गया। अभी हम एन एरोबिक रेस्पायरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये तो पता लग गया हमको कि एन एरोबिक रेस्पायरेशन होता क्या है। अब कुछ एक यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया है, आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एन एरोबिकली। ये मैं आपको सीधे बता देता हूँ दोस्तों, हमारे जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, हमारे अंदर वैसे तो हमारे अंदर कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इसलिए हमारे अंदर रेस्पायरेशन कौन सा है, रेस्पायरेशन तो हमारे अंदर है एरोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट है जहाँ पर जो है कभी कभार जो है एनएरोबिक रेस्पायरेशन की प्रोसेस भी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए। मान लीजिए हम कोई विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब कोई हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, तो उस वक्त जो है हमारी मसल्स के अंदर जो है एन एरोबिक रेस्पायरेशन भी होने लगता है। एन एरोबिक रेस्पायरेशन दोस्तों मतलब क्या, जो हमारे मसल्स के सेल होंगे, जैसा कि आपको बताया कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी हुई है, जो हमारे मसल्स के जो सेल होंगे उनके अंदर जो है फूड टूटेगा, उनके अंदर जो है फूड टूटेगा और एनर्जी रिलीज करेगा विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। हमारा शरीर जो जल्दी जल्दी कार्य करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई, हार्ट जो ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी हो सके उतनी तो होगी, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। और उस प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, अगर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन में अगर ऑक्सीजन का यूज़ हो तो फूड किस किस में टूट जाता था, वाटर प्लस CO2, मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता तो ये चीज़ें नहीं बनती। तो कौन कौन सी चीज़ें बनेगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर नीचे हमको दिया गया है, ये देखिए, ग्लूकोज टूट गया किस किस में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा, किस किस में बदल गया, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर। अब दोस्तों जो ये वाला पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये वाला जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसमें कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम भारी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारी जो मसल जो है वो थोड़ी सुन होने लगती है। अब अगर आप दौड़ने लगते हैं तो कुछ देर तक आप दौड़ेंगे, उसके बाद आपकी जो मांसपेशी, आपकी मसल्स जो है जवाब देने लगते हैं, वो सुन होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा दोस्तों इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स के सेल्स के अंदर जो है डिपॉजिट होता जाता है, और इसी के डिपोजिशन से जो है हमारा जो अंग है वो थोड़े सुन होने लगते हैं, ठीक है, मतलब अजीब सी फीलिंग आने लगती है और हम थक जाते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि जब इस तरह का कुछ आप भारी काम करते हैं तो आपका जो अंग है वो ढीले हो जाते हैं, तो गर्म पानी के साथ जो है नहाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब हम गर्म पानी के साथ नहाते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक होता है, बिल्कुल
बढ़िया स्तर पर आ जाता है। और अगर हमारा ब्लड जो का जो सर्कुलेशन है जो बिल्कुल बढ़िया स्तर पर आ जाए तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है और जो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमको काफ़ी राहत महसूस होगी। सो ये वाला पैराग्राफ हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग किसे कहते हैं? नाउ दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हम दो जो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन है उनको एक ही मानते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग कहते हैं या रेस्पायरेशन कहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जो हम सांस लेना कहते हैं, ठीक है, ब्रीथ करना कहते हैं, ठीक है, जो ये ब्रेथ करना है और रेस्पायरेशन करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, जैसा कि हम एक्चुअल आम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन रेस्पायरेशन एक पूरी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी का, फूड का एनर्जी के में तब्दील होना, चाहे वो ऑक्सीजन की वजह से चाहे वो ऑक्सीजन के बिना, उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। और जो ब्रीथिंग है, किसी भी ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, इसको हम कहेंगे ब्रीथिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो रेस्पायरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, अब ये ब्रीथिंग क्या है ये अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अगला जो ये पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 10.1 में, ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। नाउ अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। दोस्तों एक्चुअली ब्रीथिंग होता क्या है और किस किस तरह से इसकी प्रोसेस होते हैं ये पूरा हम अभी हम पढ़ेंगे। नाउ इनहेलेशन, फिर हम पढ़ेंगे एक्सहेलेशन, उसके बाद हाउ वी ब्रीथ, मतलब हम सांस लेते किस तरह से, हैं। नाउ दोस्तों, जब भी हम गैस को अंदर लेते हैं, मींस ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं, तो उस अंदर लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन, इन का मतलब अंदर, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो उसको हम कहेंगे इनहेलेशन। नाउ सेकेंड टर्म है एक्सहेलेशन, ठीक है, सेकेंड टर्म है एक्सहेलेशन। एक्स का मतलब बाहर निकालना, एक्सहेलेशन मतलब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे उसको कहेंगे हम इनहेलेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे उसको कहेंगे हम एक्सहेलेशन। नाउ नीचे दिया गया है ब्रीथिंग रेट। इससे पहले कि हम ब्रीथिंग रेट पढ़े, हमको पता होना चाहिए ब्रीथ का कि ब्रीथ होती क्या है। एक कंप्लीट ब्रेथ हम किसको कहेंगे, एक कंप्लीट ब्रेथ मिलकर बना होता है दोस्तों एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन के साथ। मतलब हमने सांस ली, एक बार हमने सांस ली, एक बार हमने सांस छोड़ी, वो हो गई एक कंप्लीट ब्रीथ, ठीक है। एक बार हमने सांस ली, एक बार हमने सांस छोड़ी, वो हो गई कंप्लीट ब्रेथ। अब है ब्रीथिंग रेट, मतलब हमारा रेट कितना होता है ब्रीथिंग का, मतलब एक मिनट में हम कितनी सांस ले सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे। मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ, मतलब एक पर्सन जो है एक मिनट में कितना ब्रीथ करता है, मतलब एक मिनट में वो कितनी सांस लेता है, उसको कहेंगे हम उसका ब्रीथिंग रेट, ठीक है, उसको कहेंगे हम उसका ब्रीथिंग रेट। द ब्रेथ मींस वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, जैसा मैंने आपको कहा कि एक इनहेलेशन होगा उसमें और एक एक्सहेलेशन होगा, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट का भी हमको पता लग गया। यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स के अंदर दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। ऑन एन एवरेज, अगर एक सामान्य मनुष्य की बात की जाए, एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रेथ्स इन एंड आउट 15-18 टाइम्स इन अ मिनट, एक जो सामान्य मनुष्य होगा वो एक मिनट में कितनी बार सांस लेगा, 15-18 टाइम्स, मतलब 15-18 बार ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अगर वो कोई भारी एक्सरसाइज करता है, द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज, तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो सकता है कहाँ तक, 25 टाइम्स अ मिनट। वैसे तो होगा 15-18 तक अगर नॉर्मली बात करें, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं भारी, तो हमारा ब्रीथिंग रेट कहाँ तक पहुँच सकता है, 25 तक, ठीक है। नाउ ये एक्टिविटी दी गई है 10.3 में, इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। नाउ आगे दिया गया है कि हाउ डू वी ब्रेथ, ठीक है, हाउ डू वी ब्रेथ। अब जो जितना भी ये यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको यहाँ डायग्रामेटिकली यहाँ डायग्राम में समझा लूँगा।
इस डायग्राम को समझाने से पहले आप इस डायग्राम पर आ जाएं ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता लग सके। तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। नाउ जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। सांस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है यहाँ से। ये जो ओपनिंग्स है, जो दो छेद आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, दो छेद जो यहाँ पर आपको दिखेंगे उनको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, उनको कहेंगे नॉस्ट्रिल। अब यहाँ से ह्यूमन बीइंग सांस लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेगा, और वो कहाँ पहुँचेगी, इस वाले भाग को कहते हैं फेरिंक्स, ठीक है। जो ये वाला भाग है ये फेरिंक्स, ये वाला ट्रैकिया, ट्रैकिया से चला जाएगा लंग्स के अंदर, ट्रैकिया से चला जाएगा लंग्स के अंदर। और लंग्स, अब यह ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं पूरा पैराग्राफ हूँ एक साथ ही बताऊँगा, जो ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक कैविटी के अंदर, ठीक है। इस ये लंग्स भी इसका एक विशेष स्थान होगा, ये कहाँ पर स्थित होंगे, ये होंगे चेस्ट कैविटी के अंदर ये लंग्स, ठीक है। अब ये लंग्स जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए इन लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको बाहर प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं रिब्स, जिनको आप अपनी बॉडी के अंदर पकड़ के महसूस कर सकते हैं। ये जो रिब्स हैं ये जो है 24 होते हैं, ठीक है, ये कितने होंगे 24, मतलब 12 पेयर, 12 ये इस साइड को होंगे और 12 ये इस साइड को होंगे, मतलब टोटल मिला के हुए होते हैं 24, टोटल मिला के ये होते हैं 24। तो ये जो सबसे पहले क्या था, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है लंग्स। अब लंग्स में यहाँ पर आदान प्रदान होगा गैसों का, मतलब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आई ये चली जाएगी कहाँ, लंग्स के अंदर, और लंग्स इसको क्या दे देंगे, वापस क्या आएगा, लंग्स से वापस क्या आएगा, लंग्स को मिलेगा ऑक्सीजन, और लंग्स वापस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी अंदर को और अंदर से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, बाहर को, ठीक है, अंदर से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, बाहर के लिए। नाउ एक बात आप और याद रखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है, जिसको हम कहेंगे डायाफ्राम। ये आप क्या देख रहे हैं, ये जो है ये क्या है, लंग्स है। अब जो ये लंग्स है इनके जस्ट नीचे जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम, क्या हम कहेंगे इसको, डायाफ्राम। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए, इसके लिए नीचे एक डायग्राम बेहतर तरीके से दिया गया, यहाँ पर दिया गया है एक डायग्राम, ये बेहतर तरीके से दिया गया है, यहाँ पर आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। अब जो ये वाला आप चीज़ देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है, इसको हम कहेंगे डायाफ्राम। जो ये वाले मैंने आपको कहा रिब्स, ठीक है, पसलियाँ जो होती है 12 पेयर्स, मतलब 24, इसको जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं, इसको कहते हैं रिब गेज, मतलब ये लंग्स कहाँ पर होते हैं, ये लंग्स कहाँ पर होंगे, लंग्स होंगे रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट, ठीक है। जब हम सांस करेंगे, सांस लेंगे, मतलब जब हम इनहेल करेंगे गैस को, जब इनहेलेशन होगा, मतलब जब हम कार्बन, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, तो क्या हो जाता है, ये हमारी जो पसलियाँ हैं, मतलब रिब केज जो है ऊपर उठ जाता है, ठीक है, मतलब ये जो है इस ओर को आने लगता है, मतलब ऊपर उठने लगता है, क्योंकि लंग्स का क्या हो जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ही वो ऊपर उठ गए, तो जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये रिब्स केज क्या हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे, और ये डायाफ्राम क्या होने लगता है, ये फ्लैट होने लगता है, ठीक है। ये डायाफ्राम क्या है, यहाँ देखिए ये थोड़ा फ्लैट है, इस वक्त ये थोड़ा फ्लैट है, ठीक है। ये कब है, ये कब है, ये तब है जब हम इनहेल करते हैं गैस को, ठीक है। अब दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिब केज ऊपर को जाएंगे और डायाफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, डायाफ्राम जो है फ्लैट होने की कोशिश करेगा। जबकि उसके विपरीत, जब हम ऑक्सीजन को, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, मतलब जब हम एक्सहेल करते हैं, जब एक्सहेलेशन होता है, तो क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम क्या होता जाता है, घट जाता है, लंग्स का वॉल्यूम घट जाता है, और ये डायाफ्राम कहाँ पर पहुँच जाता है, ऊपर चला जाता है। डायाफ्राम कहाँ पर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब इसमें आपको दो चीज़ें क्या याद रखनी है, जब हम एक्सहेल करते हैं हमारे लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, और डायाफ्राम का क्या हो जाता है, डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर चला जाता है। तो डायाफ्राम एक्चुअल में है क्या, डायाफ्राम एक जो है
लेयर है, परत है, जो कहाँ पर पाई जाती है, जस्ट बिलो द लंग्स, जस्ट बिलो द लंग्स, और ये जो है ऊपर चली जाती है जब हम एक्सहेल करते हैं, और ये जो है फ्लैट हो जाती है जब हम इनहेल करते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये सारा का सारा ब्रीथिंग से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया, ये डायफ्राम, चेस्ट कैविटी, लंग्स, नेसल कैविटी, ये सभी कुछ हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स, ह्यूमन के अंदर किस किस प्रकार से होती है ब्रीथिंग, ये हमने कंप्लीट जो है एनालिसिस कर लिया। नाउ अब आते हैं हम ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन के अंदर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारी जो ये प्रकृति है इसमें अनेकों प्रकार के और भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के अंदर जो है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के लिए जो है लंग्स ही हों। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो है रेस्पिरेशन होता है। तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं यहाँ पर इस टॉपिक पर। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गॉड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग। जो ये लायन है, काउ है, गॉड्स है, फ्रॉग्स है, इस तरह के अनेक ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है ह्यूमन की तरह ही लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाउ डू दीज ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेट अस फाइंड आउट। अब हम कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ब्रीथिंग उनके अंदर होती है। नाउ सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे कॉकरोच का। ठीक है, नाउ अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ हिज बॉडी। मैं यहाँ पर आपको समझा लेता हूँ सीधा, ये आपको दिया गया है यहाँ पर एक कॉकरोच। ठीक है, एक कॉकरोच का डायग्राम आपको दिया गया है। अब इस कॉकरोच के अंदर क्या होगा, इस कॉकरोच के अंदर किसी भी प्रकार के लंग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब जो ये कॉकरोच होगा, ठीक है, तो इस कॉकरोच की पूरी बॉडी के साइड में क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटे छोटे छेद होंगे पूरी के पूरे, यहाँ तक एक लाइन की लाइन बनी होगी। ठीक है, ये जो छोटे छोटे छेद है इनका कनेक्शन होगा अंदर, जो ये केज आपको एक दिख रहा है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आके अंदर आपको दिख रहा है हड्डियों की तरह, एक्चुअल में ये हड्डियाँ नहीं है, ये क्या है, ये असली में एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, पाइप्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी ओपनिंग मैंने आपको कहा जो कॉकरोच के अंदर होगी, इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है, उन छोटी छोटी ओपनिंग्स को हम क्या कहेंगे, स्पाइरिकल्स। इन छोटी छोटी ओपनिंग्स को हम कहेंगे स्पाइरिकल्स। ये जो है स्पाइरिकल्स है, ये छोटे छोटे बिंदु, मतलब ये छोटी छोटी ओपनिंग। अब इन छोटी छोटी ओपनिंग से होकर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अंदर एंटर करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगी, अंदर एंटर करेगी। ऑक्सीजन जैसे ही इन छोटे छोटे छेदों से होकर अंदर एंटर करती है, इन छोटे छोटे छेदों का सीधा, ये छोटे छोटे छेद सीधे निकलते हैं अंदर इस नेटवर्क के अंदर, जो ये नेटवर्क अंदर आपको दिख रहा है, मतलब ये छोटा सा जो छोटे छोटे ये छेद है, ये इसकी ओपनिंग है जो अंदर ये नेटवर्क है पाइप्स का। ठीक है, जैसे ही इन पाइप्स के अंदर चला जाता है, ये जो नेटवर्क बना हुआ है पाइप्स का, इसको कहते हैं ट्रकेई। ठीक है, इनको कहते हैं ट्रकेई, मतलब जो छोटी छोटी ओपनिंग थी बाहर उनको कहते हैं स्पाइरिकल, और जो अंदर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर जहाँ से जो है, जहाँ को जो है ऑक्सीजन पहुँचेगी, उसको कहेंगे ट्रकेई। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन जो है इन छेदों से होती हुई इस ट्रकेई में पहुँचती है, तो इन ट्रकेई में क्या होता है, इन ट्रकेई में जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड में जो है इसका आदान प्रदान होगा। ब्लड से यहाँ इसके अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से इसके, और जो ब्लड होगा उसके अंदर से इसके अंदर जाएगा ऑक्सीजन, मतलब अदला बदली जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में तो लंग्स के अंदर होता है, लेकिन इसमें कहाँ होगा, इस ट्रकेई के अंदर, इसमें लंग्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्पाइरिकल मतलब वो छोटे छोटे डॉट जिससे होकर गैस अंदर रिलीज करती, मतलब ऑक्सीजन अंदर रिलीज करती है, और ये ट्रकेई मतलब एक नेटवर्क है पाइप्स का जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है कॉकरोच के अंदर कहिए, या बेरी जो इंसेक्ट्स होते हैं,
जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें लगभग सभी के अंदर ही इस तरह का प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया गया है अर्थवॉर्म, जो आप देखते हैं केंचुआ, ठीक है, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म इस तरह से होगा, अर्थवॉर्म में क्या होगा, अर्थवॉर्म में जो है रेस्पिरेशन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा कि इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैके थे, स्पाइरिकल थे, ह्यूमन के अंदर लंग्स थे, ये जो अर्थवॉर्म है उनके अंदर किसी भी प्रकार का सांस लेने के लिए कोई विशेष वो नहीं होते, अंग नहीं होते। ओके, इसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, ठीक है, काफ़ी मॉइस्ट और स्टिकी होती है। ये अर्थवॉर्म जो है अपनी स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, अपनी स्किन से ही रेस्पिरेशन करेंगे, वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे, सीधे अंदर एंटर कर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनी वो भी सीधे बाहर चली जाएगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर किसी प्रकार के विशेष ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट दिया गया है ब्रेथिंग अंडर वाटर। अब देखेंगे कि ये तो हमको पता लग गया कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, लेकिन अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े, हमने ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म पढ़े। नाउ अब हम आ जाते हैं कि जो वाटर के अंदर ये एनिमल्स रह रहे हैं वो कैसे जीवित है, ठीक है, वो कैसे जीवित है अभी तक, मतलब उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल फिश जो है वाटर के अंदर रह रही है, तो उसके अंदर उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी ना, वही अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है फिश का, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है फिश का। तो यहाँ पर आप नज़र डालिए, जो ये फिश है उसकी थोड़ी सी पिछली साइड को यहाँ पर एक आकृति होती है जिनको हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम गिल्स। अब जिस प्रकार से हमारे अंदर लंग्स होते हैं उसी प्रकार से फिशेस के अंदर होते हैं गिल्स, ठीक है, फिशेस के अंदर क्या होंगे, गिल्स। अब ये मछली, अब आपको पता है कि जो वाटर है वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है काफ़ी कम मात्रा में होती है, लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। जब ये ऑर्गेनिज्म, जब ये फिशेस जो है वाटर को यहाँ से लेते हैं, या डायरेक्ट किसी फिशेस में यहाँ से भी हो सकता है और कुछ कुछ फिशेस में यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस गिल्स में क्या होगा, यहाँ पर जो है ब्लड की सप्लाई बहुत रिच होती है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिच होगी। अब ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है तो यहाँ इन गिल्स में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत जल्दी होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ पर बहुत जल्दी होगा। इन गिल्स के अंदर क्या होता है, ये गिल्स क्या करते हैं, जो वाटर है वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ले लेंगे जल्दी से, ओके, ऑक्सीजन को वहाँ से खींच लेंगे और उस वाटर के अंदर डाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे कहाँ, वाटर के अंदर, ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ह्यूमन में होता है। लेकिन हमारे केस में ऑक्सीजन, हमारे केस में लंग्स थे, लेकिन ये जलीय जीव है मछली, इसके फिश, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है गिल्स, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ अदर एग्जांपल भी है, आपने देखा होगा कुछ एम्फीबियंस भी है, एम्फीबियंस हम उनको कह लेते हैं, एम्फीबियंस जो दोनों जगह पर रह लेते हैं, ठीक है, मतलब जो वाटर में भी रहते हैं और जो स्थल पर भी रह सकते हैं, मतलब जो एक्वाटिक भी है और टेरिस्ट्रियल भी है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, अब जो फ्रॉग होता है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक तो जो लंग्स भी होंगे, ठीक है, पर दूसरा उनके अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये फ्रॉग है, ठीक है, अब ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग है मान लीजिए, अब इस फ्रॉग के मुंह के पास भी यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृतियाँ होती है, ये यहाँ से सांस लेता है और यहाँ पर मुंह में क्या हो जाता है, जिस प्रकार से मछली में होता है उसी प्रकार से इसमें भी कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं इसके मुँह में, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई जो है काफ़ी रिच होती है, ब्लड की सप्लाई बहुत रिच होती है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में जल्दी भी होता है और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए। तो ये भी कंप्लीट हो गया। सो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कीवर्ड्स दिए गए, देखिए कौन कौन से, देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमको पता लग गया, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जब फूड टूटता है सेल के अंदर
विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड टर्म है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, जब फूड टूटता है सेल के अंदर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या था, एक मिनट में एक ऑर्गेनिज्म कितनी बार ब्रीथ कर रहा है उसको हम कहेंगे ब्रीथिंग रेट उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में किसको बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन तो सिंपल था, जब फूड जो है टूटकर एनर्जी प्रदान करता है सेल्स के अंदर तो उसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ डायाफ्राम, ये डायाफ्राम के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये डायाफ्राम क्या था, डायाफ्राम एक जो है लेयर थी जो कहाँ पाई जाती थी, जस्ट बिलो द लंग्स। और ये क्या होता था, जब हम इनहेलेशन करते थे तो क्या होता था, ये जो है फ्लैट हो जाती थी, और जब हम एक्सहेल करते थे तो ये जो है ऊपर मतलब अंदर चला जाता था, है ना। नाउ गिल्स, गिल्स क्या थे, गिल्स थे रेस्पिरेटरी, ये हमने अभी पढ़ा। गिल क्या थे, गिल्स थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जिनके द्वारा जो है सांस ली जाती है, किसके अंदर, फिशेस के अंदर। ठीक है, फिशेस के अंदर जो सांस लेने के लिए विशेष आकृतियाँ होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं गिल्स। ठीक है, नाउ इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब तो हमको पता लग गया, जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। नाउ है ना अगला है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स का हमको पता लग गया, जो वो कॉकरोच थे, कॉकरोच और जितने भी अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो सांस लेने के लिए जो बाहर छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। नाउ नेक्स्ट है ट्रैकेई। ट्रैकेई हमको पता लग गया, जो स्पाइरिकल है, जो इंसेक्ट थे उसके अंदर पहले हमने पढ़ा वो स्पाइरिकल्स, जो स्पाइरिकल्स थे वो कहाँ पर निकलते थे, वो निकलते थे ट्रैकेई के अंदर, और ट्रैकेई के अंदर क्या होता था, गैसों का आदान प्रदान। सो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नाउ ये चैप्टर आपको कैसा लगा, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो चैप्टर को लाइक करें और शेयर करें, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।